ओके कूल। तो आपके विनिंग सो मच अवार्ड्स हो गए थे आज भी आपके 4-5 तो अवार्ड पक्के हैं। मैं एक्चुअली 2 के लिए नॉमिनेटेड हूँ तो 4-5 नहीं हो सकते, लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि ये दोनों गाने बहुत ही स्पेशल रहे हैं, तुम्हें अपना बनाने का एंड मैं रहूँ या ना रहूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि दोनों के लिए मैं जीतूँ, लेकिन आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। मैं एक्चुअली किसी को कॉम्पिटिटर नहीं समझता क्योंकि दे ऑल आर माई इंस्पिरेशंस। आई लव अरिजीत सिंह, आई लव सोनू निगम, आई लव एवरी वन हु इज सिंगिंग, एंड मुझे लगता है सबकी आवाज़ें अलग हैं एंड सबकी एक स्टाइल अलग है। सो आई डोंट थिंक एज कॉम्पिटिटर्स, वी ऑल आर रियली क्लोज फ्रेंड्स एंड हम अपना बेस्ट कर रहे हैं म्यूजिक के लिए एंड वी आर सिंगिंग आर बेस्ट। सो आई होप द बेस्ट सिंगर विंस टुडे। ओके, दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, नारा ना नारा नारा ना, रंग दे तू मोहे गेरुआ, रांझे के दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। थैंक यू, थैंक सो मच जी। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है। थैंक यू सो मच। मैं आज यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा विजक्राफ्ट का इवेंट है, ज़ीमा अवार्ड्स, एंड आई एम इनवाइटेड टुडे विद माय डिज़ाइनर अनुष्का लाल, एंड आई एम वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस ऑफ डिज़ाइनर राहुल एंड अनुष्का, एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट टुडे, लेट्स सी, एंड आई एम ऑन द स्टेज टुडे, सो सी यू देयर। Yes, definitely. It's designed by Rahul and Anushka, and these days I'm wearing a lot of dresses from them. Yes, it's a beautiful dress, you can see. designer dress, that's why. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks so much. Rukta, Rukta, bye. Bites, come. हर अवार्ड जो है वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये एक जिसे कहते हैं कि इन्विटेड कॉमा, तो कलाकार जब काम करता है तो काम करने के बाद में लोगों से प्यार तो मिलता ही है, लेकिन अवार्ड जो है वो एक उसका एक ठप्पा लगता है कि जी ये आपने बहुत अच्छा काम किया और लोगों ने इसे सराहा और उससे जो है प्रोत्साहन मिलता है आगे के लिए, आप और भी बढ़िया काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं और
इनके आइडियाज डिफरेंट हैं, इनकी सोच अलग है और दे आर एक्सपोज टू यू नो सो मैनी थिंग. हमारे ज़माने में तो इतना इंटरनेट होता नहीं था तो हम लोगों को तो मतलब जो है वो जा जा करके सीखना पड़ता था, लेकिन आजकल एवरीथिंग इज़ ऑन यूट्यूब सो बहुत ईजी हो गया है. लेकिन ईजी होने के साथ साथ थोड़ा सा जनरेशन जो है वो लथार्जिक भी जिसे कहते हैं, क्योंकि ईजी जब मिलता है तो उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है. तो मुझे लगता है कि बस वो थोड़ा सा संभालना है. और दूसरी चीज़ मुझे भाषा का हमेशा डर रहता है कि जो आने वाली जो जनरेशन है ये अंग्रेज़ी में लिख करके हिंदी गाने गा रहे हैं तो उर्दू तो बहुत दूर की बात है. तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा उनको काम करना चाहिए उसको. अवार्ड एक बहुत बड़ी चीज़ है और जो कलाकार हैं उनके अंदर और हिम्मत बढ़ती है कि चलो और काम किया जाए और मेहनत की जाए. और ये तो छठा साल है तो काफ़ी छठे हुए आर्टिस्ट आए हैं इस बार. तो अवार्ड जो है वो बहुत मुश्किल हुआ चूज़ करना, क्योंकि मैं भी जूरी में हूँ तो मैं जानता हूँ कि बहुत ही अच्छे अच्छे इस बार एल्बम्स आए हैं. उसमें से ढूंढना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन किया है और मुझे उम्मीद है कि लोगों को जो रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा लगेगा. हाँ हाँ ज़रूर. मैं आपको एक गज़ल का मतलब सुनाता हूँ. बदनाम मेरे प्यार का अफसाना हुआ है, बदनाम मेरे प्यार का अफसाना हुआ है. दीवाने भी कहते हैं कि दीवाना हुआ है. शुक्रिया. थैंक्स. ये अवार्ड फंक्शन सिर्फ अवार्ड फंक्शन नहीं, म्यूज़िक का अवार्ड है. तो क्योंकि म्यूज़िक से जुड़ा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि म्यूजिशंस को एक सम्मान मिल रहा है. तो ऐसे म्यूज़िक फंक्शन बहुत होने चाहिए. रिसेंट वाला भी उन्होंने लास्ट दो चार फिल्मों में गाया नहीं, लेकिन एक हिट गाना आपके लिए सुनाता हूँ. अजय बादशाह की देख रहे तुसी, चलो शुरू हो जाओ. वन टू थ्री फोर. रूप तेरा सोना सोना, सोनी तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल. हे कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना. Everybody शावा शावा, माहिया से शावा शावा. ये थैंक यू. क्या बेटा फिर से नहीं? बदलाव तो आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुमको पता है कि नेचर का रूल है बदलना, और बदलाव नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. और मुझे बहुत खुशी है कि जो बदलाव है उसके साथ जो अभी आने वाली जो नस्ल है, जो पीढ़ी है, काम बहुत अच्छा कर रही है.
और हम तमाम लोगों को उसके लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम अभी ग्लोबल हो रहे हैं, हम सारी दुनिया का म्यूजिक सुन रहे हैं, सारी दुनिया तक हमारा म्यूजिक जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत उम्मीद है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। बेटा कोई भी चीज़ गलत तब है जब उसको गलत तरह से उसका इस्तेमाल किया जाए। जो भी चीज़ रिक्रिएट की जाती है, अगर उसको खूबसूरत बना सकते हैं तो बेहतर है, अगर ऐसा लगता है कि उसको ख़राब किया जा रहा है तो उसको बैन करना चाहिए। आप सर ये सिंगल्स के सपोर्ट में हैं कि जो सिंगल्स आ रहे हैं? नहीं, ये बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक ऐसी गली थी जो बंद थी, और ये दरवाज़ा खुलने से ख़ास तौर से ऐसे टैलेंट जो शायद शाहरुख खान सलमान खान के यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है अपने टैलेंट को प्रूफ करने के लिए। और चूंकि अब डिजिटल मार्केट हो चुका है, चूंकि फिजिकल सेल्स नहीं है, तो उनके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। नमस्कार, जीमा अवार्ड्स का फंक्शन है आज, और जीमा अवार्ड्स हम सिंगरों के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, कलाकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड्स है, और कई सालों से आ रहा हूँ, मज़ा आता है। अभी इधर भी है, इधर भी है, तो मैं कन्फ्यूज हो जाऊँगा। एक 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 अभी सर, कलाकार जो है वो हमेशा सीखता है, तो आज जितने भी सिंगर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं या राइटर्स हैं, दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग भी मेहनत किए जा रहे हैं, हम सोचते हैं कि आप सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हम भी लगे रहें उसमें। कौन सा गाना? स्वदेश। ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में, तो जगमगाया आसमान सारा, जगमग तारे, दो तारे, नौ तारे, सौ तारे, जगमग सारे, हर तारा है शरारा। Thanks. Thank you so much for the national award, ladies and gentlemen. Hope you were part of the jury. आप बाकी awards भी और मिल जाते होंगे। हाँ यार। हाँ?
Yeah, I'm hosting GMA tonight. I'm really excited because music is really close to my heart. And so this is a special award show because music is jura hua hai. I'm really excited about it. Yeah. यार कितना पानी का रंग करोगे यार जदों अंबरां बरसया पानी मिट्टी दी खुशबू आई थैंक यू क्या इस साल मुझे मोमो के धागा बहुत अच्छा लगा पापोन का वर्जन भी और मोनाली का वर्जन भी और दर्द करारा भी मुझे बहुत पसंद आया तो दमन का ईशा के गाने अच्छे लगे मुझे मैं चाहता हूँ कि पापोन को मिले बेस्ट मेल सिंगर फॉर मोमो के धागे यार वो बताऊँगा मैं गा रहा हूँ कि नहीं गा रहा हूँ लेकिन फिलहाल तो परिणीति सिंगर है उसके अंदर मैं उसमें सिंगर नहीं हूँ लेकिन शायद गा लूँ क्या पता इन्हें बने या आई एम रियली एक्साइटेड या I think it's unbelievable, seriously, because I don't know what was the criteria of this, probably because of 3D images, the Bagheera and the Sher Khan, they'll be like pouncing on children, but it doesn't matter, seriously, they're used to these storybooks, they watch Iron Man, they watch Captain America, so I think it's they should have given it a U, because of course, it's a children film, it's an animation film. I'm personally really excited about Jungle Book. Of course, I think the world used to come to a standstill at 11 o'clock every Sunday in the 90s and I miss Jungle Book so much and I'm going to watch it for sure. Thank you. ये शाम मेरी लाइफ में पहली बार आई है सबसे पहले तो ये शाम मेरी लाइफ में पहली बार आई है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जीमा को बहुत फॉलो किया हूँ मैं हर समय इसको देखता रहा हर साल का अवार्ड फंक्शन देखता रहा मैं और मुझे बस इससे ये उम्मीद थी कि कभी मुझे भी बुलाए और आज फाइनली मुझे बुलाया जो म्यूज़िक के लिए जीमा इतने सारे म्यूजिशियन को अप्रिशिएट करता है म्यूज़िक को अप्रिशिएट करता है उसकी इज़्ज़त मेरे दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा है
आई नो बन्नो मेरा गाना है ही नहीं है, उसको पब्लिक ने ले लिया है, सो एडॉप्ट कर लिया है उसे, सो श्योर दो लाइनें में गाता हूँ। गर्म हवा दी उड़ी गुब्बारी, फैमिली दे हाथ नियारी, जुगनी दुगनी चमक चिंगारी चिंगारी, मानसून से हल्की भारी, वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी दारी दारी, बात बात कर दी है, हाथ वात मार दी है, बैठे कभी ना बैक सीट, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी। थैंक यू सो मच, या थैंक यू थैंक यू। बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि जिस आदमी के भी लाइफ में ये आता है वो उसका दिल ही जानता है, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, खुद पहली बार नॉमिनेट हुआ हूँ और यहाँ आके ही मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा ये गॉड ही जाने, और जिसे भी मिले, जो डिज़र्व करता हो उसे मिलना चाहिए, वो चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। सो इसका कितना मुझे आनंद आ रहा है मुझे बताने। नो मैं इसमें कभी ज़्यादा सोचा ही नहीं, तो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं मैं। सो मुझे लगता है कि अब मैं इस पड़ाव पे आया हूँ तो बिना पैसे दे के आया हूँ। सो फाइनली मुझे लग रहा है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। What is the question? What is it? Anmol? Okay, what is the question? भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जीमा इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी, और टुडे इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल, क्यों मैं आई बी नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट सॉन्ग विद माई लिरिसिस्ट वरुण ग्रोवर, मोनाली पापोन एंड द होल टीम ऑफ YRF। आई मीन आई एम वेरी एक्साइटेड बी हियर विद शरद मनीष। इस गाने ने तीन दो राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत लिए अभी, विच आई थिंक इज़ अ स्पेशल स्पेशल मोमेंट फॉर मी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जीमा हैज़ ऑलवेज बीन स्पेशल, विद द बेस्ट ऑफ टैलेंट कम्पीट्स हियर, एंड बहुत अच्छा अच्छा काम हम सुनने को मिलता है हमें। एंड आई एम हियर टू नॉट ओनली इनकरेज माई सेल्फ और मोटिवेट माई सेल्फ एंड क्लैप फॉर माई सेल्फ, बट ऑल्सो क्लैप फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल, अ लॉट ऑफ ग्रेट टैलेंट दैट इज कम हियर। एंड आई एम स्पेशली हैप्पी टू बी विद माई डॉटर हियर अनमोल, एंड यस इट इज़ अ फादर डॉटर बॉन्डिंग, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शी इज़ लर्निंग द रोप्स, शी इज़ वर्किंग हार्ड, एंड हियर शी इज़। Yes, so I'm actually very excited because I've come here to support my dad, and Jima is a great platform where the best of the best in music can be found here, and it's going to be a glittering event, and I'm very very excited about it. Thank you guys. Thank you guys. I love you. मैं तो बोलता हूँ सभी के लिए जो नई पीढ़ी की आपने बात कर रहे हैं। The reason why I'm speaking on Jima on this platform, बहुत अच्छा सवाल है। Everyone is a fabulous composer. In fact, मैं notice कर रहा हूँ there's some tremendous talent and superb singers, superb composers, sound designers, lyricists, and unke beech mein aaj 2016 mein rashtriya puraskar milna mile nahi, aap log taali bajana chahiye aap log ko, please. Yeah, I love that. Thank you.
भाई? बढ़िया। क्या हो रहा है? कैसा रहा ये साल आपके लिए? सबसे पहले तो सर बहुत अच्छा रहा है, टचवुड। हम लोग के 6 गाने रिलीज हुए हैं ये साल में, ऑलमोस्ट वन ऑफ द बहुत बिग हिट बाजीराव मस्तानी दीवानी मस्तानी, तो ज़्यादा किसी की ना बात करके वो सुना देते हैं आपको। 1 2 3 तू मस्तानी है, तू दीवानी है, पाकीज़ा हस्ती है तेरी, तू नूरानी है, सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों में उतरा है, बस झूम 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 जाता है दिल, तू मस्तानी है, तू दीवानी है, पाकीज़ा हस्ती है तेरी, तू नूरानी है। वो तो अभी नहीं गा सकता हूँ जो आने वाले हैं, पर इस साल जो आए हैं बजरंगी भाईजान, हनुमान चालीसा आई है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधारी, और फिर बैंगिस्तान का टाइटल सॉन्ग आया है, दिल की मान के सीना तान के इश्क करेंगे इश्क करेंगे, दिल की मान के सीना तान के इश्क करेंगे इश्क इश्क करेंगे इश्क करेंगे इश्क करेंगे इश्क करेंगे, हम बंदे हैं बैंगिस्तान के इश्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जीमा में नॉमिनेटेड हूँ, वो भी दो दो कैटेगरीज में, और परफॉर्म भी कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड फंक्शन। इस कंपटीशन को किस तरह से देख रहे हैं, मतलब आपके साथ और भी काफ़ी सिंगर्स होंगे तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं नॉमिनेशन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आगे जो होगा देखा जाएगा, बट आई एम हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम। बात बात कर दी है, हाथ हाथ मार दी है, बैठे कभी ना बैक सीट, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर साल हमेशा हम एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि मुश्किल से तो हमारे 2 म्यूजिक अवार्ड्स होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बिग वंस, सो जीमा और विजक्राफ्ट को बहुत बहुत बधाई हो अगेन फॉर 2016 एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर टू सपोर्ट द म्यूजिक। मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टू सी जुबिन नौटियाल हु इज़ द न्यू सिंगर, इज़ कम, ही इज़ गोना बी मैसिव। सुन लो आज आप, मैं बोल रही हूँ जुबिन नौटियाल, obviously Divya Kumar who is amazing singer, I love him, so I'm really looking forward to both of their performances. Main kahungi bas ye family ke liye sabse buri baat hoti hai, kyunki jo banda mar jata hai wo khud to apni jaan le leta hai, lekin jo family ko suffer karna padta hai wo sabse zyada difficult baat hoti hai, so main yahi kahungi ki difficult time sabke aate hain, main thing ye hai ki भगवान ने हमको एक ही लाइफ दी है और मरना तो है ही वैसे भी, तो सुसाइड या खुद की जान लेने की जरूरत नहीं होती। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी।
एक्चुअली मैंने एक कंटेम्प्रेरी आउटफिट को क्लब किया है. मैं शीरिन के डिज़ाइन पहन रही हूँ एंड ये परफेक्ट है समर कलेक्शन का ब्राइट पिंक कलर एंड इट्स फ्रॉम द 2016 समर कलेक्शन ऑफ शीरिन. एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ये फर्स्ट टाइम है कि मैं जीमा अटेंड कर रही हूँ. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. लेट्स सी. आई हैव डेफिनेटली आई विल वॉच फॉर मीत ब्रदर्स बिकॉज उन्हीं ने मेरी मूवी का सॉन्ग्स किए थे एंड ही इज गिवन मी माई फर्स्ट हिंदी सॉन्ग. सो डेफिनेटली मीत ब्रदर्स. थैंक यू. Thank you so much. So first of all, it's Jima, it's your day. I mean, because अच्छा ठीक है भाजी. चार पांच मतलब क्या बेस्ट हीरो का भी ले जाएंगे भाई. वो कट बोले ने नहीं बट वी बीन वेरी लकी दिस ईयर कि मोस्ट ऑफ द अवार्ड आज मिले हैं और इसलिए भी हैं क्योंकि इतना अच्छा गाना पाजी ने लिखा चिट्टियां कलाइयां एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट वॉट वी ऑल फील अबाउट ऑल द गर्ल्स अराउंड जिनको हम ऐसे मौके देते हैं कि वो ऐसी लाइंस देते हैं पाजी और हम ऐसी ट्यून्स देते हैं कि वो खुद नाच सकें और अच्छा फील कर सकें. साथ में बंदे भी नाचें. कंपटीशन नहीं है भाई. हम लोग अपने गाने बनाते हैं स्टूडियो में बैठ के. कभी हम लोग बस स्टॉप पे बना लेते हैं कभी गोवा जाते हैं. ये हम लोग सोचते नहीं है. हम अपने रूट लेके चल रहे हैं. हमें ऐसे गाने बनाने हैं. लेफ्ट राइट देखते नहीं सीधा चलने की कोशिश. जैसे आपकी मूछे इतनी बढ़िया है तो हम उस पर गाना बना देंगे. तो हम सोचते नहीं कि कॉम्पिटिशन क्या है. वी डू आर बेस्ट एंड जीमा जैसे रिकग्नाइज अवार्ड्स डिसाइड करते हैं कि हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. तो वी लीव द कॉम्पिटिशन टू देम. यस वी कैन. भाई छमछम तो आ गया. अब हमारा एक सिंगल आने वाला है बहुत तगड़ा जो पाजी ने लिखा है और वो एक पार्टी एंथम मनाने के मूड में हम लोग. आप लोगों का प्यार मोहब्बत रहेगी तो जरूर होगा. एंड वी हैड दो हमारे बड़े अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स आए हैं. गर्ल आई नीड यू बागी से और इजाजत आया है. सो वी यू विल सी अ वेरी डिफरेंट. गा सकते हो उसकी वैसे. गर्ल आई नीड की. तुझ पे मेरी है दावेदारियां. तुझसे है दिल की साझेदारियां. तेरे बिन सांसें लूं तो जी ना सकूं. अब तू ही बता क्या मैं करूं. क्या करूं क्या करूं. गर्ल आई नीड यू. 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 थैंक यू सो मच. Yes, Jungle Book has got a UA. That shows how crazy this country has become. We have lost the marble, sorry to say. If Walt Disney's Jungle Book can get UA, I feel that government needs to do some very serious thinking about CBFC. CBFC should be put into a garbage can, if you ask me. That's the right place for the CBFC to be. I'm not talking about Mr. Nelani. Nelani is just a stooge of the people who have put him there. There has to be some radical thinking. If a Jungle Book can get a UA, shame on India, I would say. Okay. Come for Tung Ching Pampa. Yeah.
हाँ अरे यार वो हाँ हाँ सब बहुत बढ़िया है यार, सब लोग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, सबको ले सकती, सबको अब्जॉर्ब कर सकती है, सो सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी ऑडियंस है, इतनी वास्ट जनता है, इतनी सबकी फैन फॉलोइंग है, तो बहुत बढ़िया है। अरे मेरे को उसे कुछ नहीं पढ़ने का, वो आप आदमी क्या बोलता है हमको कुछ मतलब नहीं है, हमको ये मतलब है इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, सब ले लेता है, उसमें नैनो भी आता है, उसमें रोल्स रॉयस भी आता है, उसमें स्कूटर भी आता है, उसमें साइकिल भी आता है, उसमें ऑटो भी आता है, बस भी आता है, टैक्सी भी आता है, आम जनता है भाई लोग, जो अगर सब कुछ आ गया ना तो आप लोग यस 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 वेब सीरीज इज सोडी इज़ अ टेक ऑफ ऑन रोडीज कि वी आर नॉट एनी ऑर्डिनरी फैमिली, पंजाबी हैं, रोडीज के फैन, अगर करनी है कोई बात या फिर हमसे मुलाकात दें जल्दी 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 हो जा तैयार, गेट रेडी फॉर द वॉर, पीटर हो या रसल, पंप अप योर मसल, हो गया सब लोग आ सकते हैं, याद रखियो सब आ सकते हैं। असंग हाई हील्स हाँ जी are really special man, it's great to be here, it's great to be in Mumbai, you guys give me so much love for high heels man, abhi Kareena ki film mein gana hai high heels, so I want to sing a few lines for you guys, jad high heel te nache ta tu badi jache, high heel te nache ta tu badi jache, thanks man. Well, you know, I'm here to support the event man, it's great to be here and see I'll be performing. I'm going to be performing today as well, Meat Brothers. I'm going to be singing High Heels for you guys as well, man. Thank you so much. Thank you. Thank you. अपना अवार्ड तो गाना रिलीज़ होने पे मिल जाता है हम लोग को यूजुअली मतलब एक गाना रिलीज़ होता है और जब ऑडियंस का प्यार मिलता है आई थिंक उससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं है, लेकिन इसके थ्रू एटलीस्ट हमारी ऑडियंस को पता लग जाता है कि आवाज़ के पीछे इंसान कौन थे, तो इसलिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अवार्ड्स की और ये मेरा पहला जीम है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। बंदिया रब से होने लगे शिकवे हैं, बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा, बंदिया दहलीज लांग के ना जा। थैंक यू। एक्चुअली ये हर पापा के लिए है, नॉट ओनली भूषण जी, जब हमको बुलाया था गाना बनाने के लिए कि फादर के लिए गाना है, तो आई थॉट कि ये हम सबके पापा के लिए है, डेडिकेट किया है गाना, एंड धुन बनाने के बाद मनोज जी बहुत अच्छा लिखे है, लिरिक्स लिखे है, एंड ऑब्वियसली तुलसी हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब, एंड उसके बाद गाना हो गया मेरे पापा। मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ आपके से, आपको मैं सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, पिया रे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू, थैंक यू। आता है और बेस्ट जो भी आर्टिस्ट होता है उनको एक अवार्ड से नवाजा जाता है, तो इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए,
तो गुड लक टू जीमा एंड ऑल द आर्टिस्ट जो नॉमिनीज हैं और जिनको अवार्ड मिलने वाला है, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी आर वेरी हैप्पी। एक तो पापा के लिए एक म्यूज़िकल ट्रिब्यूट था और ही ऑलवेज यूज टू लव म्यूज़िक और हर एक बच्चा इससे रिलेट कर रहा है, सो बोथ ऑफ अस आर वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आज मेरी नॉमिनेशन भी है, सो डबल सेलिब्रेशन। मेरे पापा, मेरी जमीन आसमां मेरे पापा, मैं हूँ जहाँ है वहाँ मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी डेफिनेटली, आई थिंक वी बोथ विल बी कमिंग टुगेदर अगेन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, बट नाउ वी विल कम अप विद समथिंग मोर डिफरेंट एंड न्यू आफ्टर मेनु इश्क दा, दिस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, तो देयर वुड बी समथिंग वेरी नाइस अगेन। थैंक यू, थैंक यू। Any particular questions? Because, yes. First of all, a very good evening. Good evening. Thank you. Ah, मैंने पहना है एक लेबनीज डिज़ाइनर, एक्चुअली हर नेम इज़ रयान बाचा एंड वो इतनी स्वीट है कि ऑल द वे लेबनान से उन्होंने मुझे स्टाइल करना, मुझे यू नो ड्रेस करना चाहा एंड ऑफ कोर्स आई बीन स्टाइल्ड बाय माय लवली देवकी, शी लिव्स ऑल द वे इन अमेरिका बट आई लव हर टू बिट्स एंड ऑफ कोर्स आई एम वेयरिंग ओरियल ज्वेलरी। या I'm very close to Jima, firstly because obviously Viscraft does it, Viscraft is my family, और जो भी चीज़ Viscraft करते हैं मैं हमेशा उसके साथ associate होना पसंद करती हूँ। Music सभी की ज़िंदगी का, especially India में बहुत ज़्यादा you know एक हिस्सा होता है because Bollywood has such a big influence and I love music and I love के ऐसे कोई shows हैं जहाँ पर music industry को awards दिए जाते हैं और of course they deserve it. और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल, आई लाइक दैट सॉन्ग। सर जीमा के लिए आए हैं तो जीमा के लिए बात करेंगे। थैंक यू। और साहब मुझे कुछ बोलना है? क्या बोलना है? नहीं, आई थॉट तभी आप लोग बिजी थे तो आई जस्ट वॉक। Yes. Award. नहीं मेरे, इट्स माई फर्स्ट जीमा और तीन नॉमिनेशन है तो एक मिल जाए तो भी खुश हूँ, आई विल बी हैप्पी। मैंने अब तक बाकी के नॉमिनेशन देखे नहीं है, मेरे को सिर्फ इतना पता मैं नॉमिनेट हुआ, किसके साथ हुआ नहीं हुआ।
बट अराउंड एवरीवन हैज डन अ ग्रेट जॉब आई थिंक जितने भी सॉन्ग्स हैं आई एम नॉमिनेटेड बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर एंड बहुत टफ कॉम्पिटिशन है बट टू बी नॉमिनेटेड विद सच ग्रेट कंपोजर्स विद इन वन ईयर फॉर मी इज अ बिग फीलिंग सो आई एम हैप्पी सो आई होप फॉर द बेस्ट गाना गाओ देखो एक गाना मैंने बनाया जो मुझे पसंद है मेरा विच इज मैं रहूँ या ना रहूँ इफ यू वॉन्ट टू हियर मैं रहूँ या ना रहूँ तुम मुझ में कहीं बाकी रहना मुझे नींद आए जो आखिरी तुम ख्वाबों में आते रहना बस इतना है तुमसे कहना बस इतना है तुमसे कहना थैंक यू एनी कुछ ऑफ द माइक क्वेश्चन I came back. Now late or not? इस बार थोड़ा अलग है दिखने में पूरा सेटअप भी चेंज हो गया सेंटर या ओके या इस बार बहुत कुछ चेंज हो गया बिकॉज इवन वी हैविंग द लाइव सेक्शन द फैन पार्क आउटसाइड बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर इंटरेक्टिव क्योंकि फैंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फॉर म्यूजिशियंस स्पेशली क्योंकि फैंस के बिना कुछ है ही नहीं बोले तो वही लोग वही तो वोट करते हैं हमारे इस अवार्ड्स के लिए भी एंड जस्ट से थैंक यू जीमा फॉर डूइंग दिस बिकॉज इट मीन्स अ लॉट और हर साल ऐसा थोड़ा ग्रो हो जाए तो everybody can be on stage and everybody can be performing and it's only about showcasing talent teen saal ho gaya chalo theek hai पान में पुदीना देगा ना काना गीना देगा चिकनी चमेली देगी चिकना कमीना देगा चांदनी चिटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली आखा ए बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना First of all, darling, I'd like you to know the biggest thing happening in the country is there's a film called Bad Man made. The film, although the title of the film is Bad Man, but I play the hero's part in that film. इस समय इस सबसे बड़ी खबर यही है. दूसरी बात ये कि ये film Bad Man जो है इसे direct कर रहे हैं Shaumik Sain जिन्होंने Gulab Gang direct की थी. एंड Viacom 18 ने प्रोड्यूस किया है एंड सब आप बोलिए जोर से कौन है इस पिक्चर का हीरो ओए झिंगे सुने आया जोर से बोल कौन है पिक्चर का हीरो
बैड मैन। तो इस पिक्चर के बाद अब आपने जो जंगल बुक फिल्म की बात की, डार्लिंग आर यू अवेयर माय हॉलीवुड करियर बिगैन विद अ फिल्म कॉल्ड जंगल बुक 2 इन विच आई वाज द मेन विलन। द फिल्म ओ यो यो ओ पाजी first film Hollywood film was Jungle Book 2 which was made by Columbia TriStar, directed by Duncan MacLachlan. The film had Roddy McDowall, Bill Campbell, Jamie Williams, and I was the main villain in that film. So I'm very happy that a film by Disney, Jungle Book, is releasing. You know, as far as what sort of certification it has got, what is the reason, how will an actor know about it? How can an actor say anything about it? But all I know is my best wishes. You know, I'm looking forward to seeing Jungle Book because, you know, like, it's been a long time. Although Jungle Book 1 was made by Disney, Jungle Book 2 was made by Columbia TriStar, and I am in that Jungle Book 2. And I'm looking forward to seeing this Jungle Book. All the very best. I don't remember. Honestly, I don't remember. But normally you would associate Kipling's work with you know, a general viewing. But there must be a reason. Unless, you know, like, it'll be very unfair for me to say anything because I don't know. All I know is, and all I want you to know is, there's a film called Bad Man. Who's the hero in that film? कोई पूछेगा?
पूछो क्या वेल जीमा मेरा फेवरेट अवार्ड है एंड आई एम सभी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जीमा का कि इतना बड़ा मौका मुझे दिया है एंड आज बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे हम एंजॉय करेंगे आ जा नहीं आ जा बिल्लो नच के दिखा जा बिल्लो थैंक यू आ गया भाई आ गया पर आप सबसे तो आधो से तो कल मिला था चलिए थैंक यू हाँ कल भी मिलेंगे जी अच्छा स्ट्रैटेजी थी मुझे नहीं पता लगा जी जी वो यार देखिए वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द मार्केटिंग टीम ऑफ द फिल्म जो लोग इन्वॉल्व है पीआर से मार्केटिंग हैज बिकम सो बोरिंग कभी कभी आप लोग भी ऊब जाते हो हमें देख के सेम भाषणबाजी सेम आई है देखिए फिल्म तो ये फिल्म में एक मौका था उस तरह की भी फिल्म है ना मैं हील्स में आ सकता था आपसे बात करने खाना वाना पका सकता था सारे फोटोग्राफर दोस्तों के साथ खाना बनाया था उस दिन मैंने तो कुछ नया नया होता है विमेंस डे सेलिब्रेट किया था तो आई थिंक दैट हेल्प्स फॉर यू ऑल ऑल्सो टू प्रेजेंट अ न्यू स्टोरी बिकॉज आपके माध्यम से पिक्चर प्रमोट होती है एक्चुअली सो वी हैड फन कल भी कुछ नया कर रहे कुछ अच्छा सा कर रहे एक इम्प्रॉम्प्टू सा मीट एंड ग्रीट है पूरे मीडिया के साथ टू थैंक देम फॉर देयर लव एंड सपोर्ट कल सक्सेस पार्टी नहीं करीना बिल्कुल देखो तो सक्सेस पार्टी शी हैड प्रायर कम देखिए हमको अंदाजा थोड़ी ना था पिक्चर वो गारंटी नहीं थी पिक्चर चल जाएगी वो तो अब चल गई पिक्चर करीना की ऑलरेडी कमिटमेंट थी सुन तो लीजिए करीना की ऑलरेडी कमिटमेंट्स थी जब आप ब्रांड्स करते हो यू कैन नॉट चेंज ऑन योर विम्स एंड फैंसीज यू टू फॉलो बिकॉज उनको इंटरनेशनल ट्रैवल करना था तो अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट एडजस्ट द डेट्स बट शी विल बी देयर फॉर द सक्सेस पार्टी दैट विल बी नेक्स्ट वीक दैट विल हैव विद हर बट ये हफ्ता भी जरूरी है and Balki sir and me will be there tomorrow and she's there in spirit always yaar unke bina picture adhuri hai because the film is called key and ka aise nahi ki sirf ka hai to wo honge hamare sath success party mein yes I've been invited by the British High Commission it's a privilege it's an honor it's a nice intimate group of people that have been invited from all different walks of life so it feels nice to be present to represent the film industry I think it's these are the moments that you work for as an actor to put the profession and the industry out there for your country I am not aware I am at this point of time I've been so caught up with my promotions I don't know the details of what is happening there I haven't got into it I'm attending it that is for sure baki aapko to humse pehle hi pata lag jayega kya ho raha hai aapko yes I am dying to see it myself but please go and watch Kian ka first ha huh. I always wanted to look like Mowgli that's why I'm growing my hair out No, he's a very cool character, yeah, Mowgli. I mean, even if you take the Hindi song Jungle Jungle Baat Chali, he was just always a cool guy. A boy who can talk to animals and live with them. I think it's a pretty cool character to want to be. I don't have any exact memories, but I remember as a kid watching the show. And I'm dying to see, I mean, I love Jon Favreau as a director. I've been a fan of his since his first works so I'm really really happy that he's chosen to make Jungle Book and I'm sure in India people will love it because it's a sentimental connect to India the film is not a US certificate any comments on that I've not seen it how can I comment matlab genuinely main bina dekhe but they must have given a logic below it like Kian ka got UA because there's kissing in the film in the sense so the 3D effect the Sher Khan is coming out So it's just the parents should know that kids should not go alone maybe to see it. Some might get scared. I think that's a pretty basic, since we don't have the 10, 12, 14 restrictions, it's actually quite a sensible thing so kids don't land up alone. Parents are aware at least then out of their own choice whether they send them alone or not. It's a good thing. क्यों मैं कहाँ गया था रिटायर हो गया था नहीं मतलब देखिए मुझे पूरी जिंदगी ये बोला गया बेटा एक्टिंग मत करो तुम नहीं कर पाओगे मैंने कर लिया आई गॉट एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस लोगों ने कहा तुम सिर्फ एक्शन पिक्चर कर सकते हो मैंने टू स्टेट्स की आई गॉट लव फ्रॉम द ऑडियंस लोगों ने बोला टीवी शो बेटा बिल्कुल मत करना तुम कैसे कर पाओगे होस्ट मैंने किया आई गॉट लव फ्रॉम द ऑडियंस मैंने होम मेकर का रोल प्ले किया जहाँ पे ना बॉडी दिखा रहा हूँ ना किसी को मार रहा हूँ मैं खाना पका रहा हूँ और मेड से झगड़ा कर रहा हूँ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो एट द एंड ऑफ द डे द ऑडियंस डिसाइड्स वेदर यू शुड रिमेन और नॉट नोबडी एल्स यार बहुत सारे मिले हैं
बट जेन्यूनली देखिए कबीर का जो किरदार है बहुत अनबिलीवेबल है, उसको बिलीवेबल करवाना आई थिंक पीपल अप्रिशिएटेड दैट द मोस्ट। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स तो कल मिला यार जब मैं थिएटर में गया था, इट वॉज ऑल वुमेन वॉचिंग द फिल्म। ने पॉपकॉर्न तो बेच दिया, तेरे को पॉपकॉर्न की बड़ी पड़ी। डिस्ट्रीब्यूट दिया मैंने फोटोग्राफर को दिया, उन्होंने वापस कर दिया मुझे, पता है। खैर मैं दे दूंगा पैसा अगली बार। चलिए थैंक यू, कल भी मिलना है सेम सामान। गुड इवनिंग ऑल। या श्योर, नो प्रॉब्लम। देयर आर लाइक टू बूमर्स। ओके, जीमा अवार्ड्स की शुरुआत हुई 2010 में और मैंने अपना करियर भी शुरू किया 2010 में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड आई एम कम्प्लीटली अटैच विद इट इमोशनली। और ये अवार्ड्स आई थिंक जितने भी आर्टिस्ट हैं, ना कि सिर्फ फिल्म सॉन्ग्स को सराहा जा रहा है यहाँ पर, बल्कि जितने भी नॉन फिल्मी सॉन्ग्स हैं, एल्बम्स हैं और बहुत सारी कैटेगरीज हैं म्यूज़िक की और सिंगिंग की, बहुत सारे जॉनर्स की कैटेगरीज हैं जिसको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। और सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर्स या सिंगर्स या कंपोजर्स उन सभी को नहीं, लेकिन अरेंजर्स एंड प्रोग्रामर्स और जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी साउंड इंजीनियर्स हैं, उन्हें भी अवार्ड्स मिल रहे हैं। सो आई थिंक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सभी के लिए। एब्सोल्युटली, श्योर श्योर श्योर। राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। ओ इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आँख मारो तो प्यार। राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Manish Malhotra, this is from his latest collection, and this is just off the runway, and I feel so pretty and Grecian in this. Now you can go ahead. Yes. जी सर, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आई थिंक अवार्ड फंक्शन से ज़्यादा जब आपको अवार्ड मिलता है, एक बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आपके काम को रिकग्नाइज किया जा रहा है और आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, मोटिवेशन मिलती है अवार्ड से। सर दोनों, अब वो क्या होगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। जी सर, पहली फिल्म का तो जो रिस्पांस था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये हमारी छोटी सी प्यारी सी फिल्म इतनी बड़ी बन जाएगी और उसको इतना प्यार मिलेगा। और इस फिल्म ने मेरी ज़िंदगी बदल दिया। आई एम लिविंग माय सिंड्रेला मोमेंट, मैं अपना सपना जी रही हूँ। ये सब मैंने अपने बचपन में सोचा था कि मैं करूँगी। सो मैं बहुत ही आई बी इंडेटेड टू आदि सर, मनीष, शरद फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आप गवाएंगे तो उसके हिसाब से। नहीं सर जी, गानों का शौक रखती हूँ, लेकिन गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक रखती हूँ। गाने में थोड़ा मामला टाइट है अभी। जी द फेवरेट सॉन्ग राइट नाउ हैज़ टू बी मोमो के दागे फ्रॉम दम लगा के हैशा, विच इज़ माई फिल्म। इस गाने को इतना ज़्यादा प्यार मिला है, आई रियली वॉन्ट टू थैंक एवरीबडी। ओके, आई विल ट्राई। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, इस तरह तरह ये सुलझे। नॉट फॉर अ व्हाइल, वंस आई हैव ट्रेन्ड नाउ। My favorite singer right now is Papun. I think he's just gifted. He's got beautiful voice. किस में? क्यों? सर मुझे बहुत पसंद है मेरी फिल्म डिप्लोमेटिक, नहीं that's the truth. I think my film is great. Thank you. Thank you. Jungle Book 2, when it came to India, years back,
I was here struggling as a writer. I remember writing all the songs in Hindi for Jungle Book 2. So if you watch Jungle Book 2, please remember all the songs are written by me. That was the initial days of mine in Bombay. I remember writing Bare Necessities and मैंने उसको लिखा था मस्ती की गुदगुदी करके गाना लिखा था. And in fact, I was searching for those songs for my daughter who was young and she was quite surprised when I played those songs for her. So I have very fond memories. Apart from being part of the project earlier, I, of course, one grew up with the story. And I think it's the most wonderful concept, which whenever I visit, I feel absolutely mesmerized. And I really marvel at the way it's been created. Yeah, it's absolutely exceptional. Right. But the fact that it received the UA certificate, any thoughts on that? Well, I have not thought about the certificate. I think it should be watched by everyone. It's marvelous. So I hope that means everybody is watching it. Thank you. Arjit sir, bites. We need. No, he doesn't want to do. Sir, sir, one question. Okay, which bites you want? Sir, sir, aapka hi bites sir. Yes, sir. Aapne sare. Okay. Sir, you're the man of the moment. You are there in almost every film. How does it feel to be rated as the most popular singer in India? Well, thank you for making me the most popular singer in your mouth. But I really do, I have no idea how this thing working for me. It's a bliss. Thank you so much, all the, all the fans. No, we're trying, trying some stuff in filmmaking. It's not a commercial film. We've been like experimenting and stuff. You lend your voice to the biggest stars in India except Salman Khan. When will we see that happen? I really hope it happens like really soon. We've been praying. Okay. Yeah. All right. Sir, one song from you for all the fans of India. Teri nazaron mein hai tere sapne, tere sapnon mein naraazi. Mujhe lagta hai ki baatein dil ki hoti lafzon ki dhokebaazi. Tum saath ho ya na ho kya fark hai, bedard thi zindagi bedard hai agar tum saath ho. पहला गाना नहीं है भाई बट हाँ गाना हिट हो रहा है, वो सच है, तो आधा सच है इसमें. अच्छा लग रहा है. तू है सोडे की बोतल, मैं बंटा तेरा, मैं तो हैंडल करूं हर टंटा तेरा. मेरे दिल के मोबाइल का तू अनलिमिटेड प्लान हो गया. मैं तेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया. ओ तुझे देखते ही दिल में ढंटणैन हो गया. मैं तेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया. थैंक यू. Okay. Hey, look at the video. Ready? Ready?
इतना अच्छा लग रहा है. So I'm so happy, I'm so excited. I think har roz maine pray kiya, I prayed, I hoped, I did everything to want to work with somebody like him, and they finally took that chance. What did you learn? What were the actions like on set? He's a very dedicated actor, I noticed, and knows exactly what he wants and what he needs to do. One second, you also met Aamir Khan recently. अभी तो देयर इज नॉट मच दैट्स गोइंग ऑन. वी विल सी वंस एवरीथिंग गेट्स स्टार्टेड. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. टुमारो इज द लॉन्च ऑफ द ट्रेलर वन नाइट स्टैंड. एंड एक्चुअली अरिजीत सिंह जस्ट he sang one of the songs that was just released yesterday. So both excited to do this. Is a film that nobody has seen me be in this type of role before, and I hope people like it. Also Sunny, very very quickly, your Jungle Book from Friday, it's not a certificate, it's a giveaway. I don't know when a movie dekha nahi hai, so I have no idea what's in the film that would be qualified as a UA. I'd have to watch it. Jungle Book is a children movie and we have a movie character. I don't know. I don't know points kya hai, aise kyun hua, but I want to watch that film, and I'll have to review it and let you know once I watch it. ये मेरा ड्रीम रोल है. आई गेट टू बी हियर बट आई वांट टू बी अ सुपर हीरो. थैंक यू, बाय बाय. हेलो, हाय. कविता, वी नो दैट यू आर परफॉर्मिंग फॉर प्रिंस विलियम एंड केट. व्हाट आर द नंबर्स दैट यू आर गोना सिंग आउट फॉर गोना बी लाइक? वेल, आई एम नॉट सपोज्ड टू स्पीक एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ. Arjun was there, he just confirmed, you know, he's also coming. Sarukar, I'm going to be there for sure. What kind of numbers will you be performing? Would, well, let's see. The Indian one or the Western one? Or well, you have to go back to the British council and ask them that. I can't give any information. Ji sir, aap please dance karenge mere saath. So please, acha aap kar do. Boy, sorry. Come this side. Okay, all right. Ab bhai. Ho tu le aade mainu golden jhumke hai. Main kanna vich paav chum chum ke man jaave hai. Tu mainu shopping kara de. Man jaave hai romantic picture dikha de. Thank you. एक्साइटमेंट तो एकदम चरम सीमा पे, क्योंकि पहला जीमा है और जीमा इज़ ऑलवेज स्पेशल, क्योंकि सारी जो सबसे म्यूजिकल त्यौहार है सारी बॉलीवुड का, सारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड्स हैं. तो पूरे जितने भी इंडियन म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने लास्ट ईयर एकदम सम्मानजनक काम किया है, उनको सम्मानित किया जाता है. और जितने भी फेलो म्यूजिशियंस हैं, हम सब लोग मिलते हैं, जैम करते हैं, बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं साथ. जी हाँ, लास्ट ईयर सलमान भाई के लिए प्रेम रतन धन पायो में दो गाने थे, उसमें से होने दे आज हल्ला, देखे गली मोहल्ला, चाहत के माथे चंदन का टीका, है राम सीता इसमें शर्मो हया की रस्में, जिनमें मोहब्बतों का तरीका, सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला, राम सिया की देखो निराली है प्रेम लीला, ओनली ऑन जीमा. थैंक यू. थोड़ा सा लेफ्ट.
अमित अग्रवाल अच्छा जीमा हमेशा बहुत ही इट्स अ ग्रेट इवनिंग एंड आई लव द विजक्राफ्ट टीम. वो हमेशा एक बहुत अच्छा sort of great entertainment always and this fan thing that's happening outside is such a great idea. How are you? इस साल के मतलब पिछले साल मुझे बाजीराव मस्तानी के गाने बहुत अच्छे लगे. वजीर तो इस साल की है ना. मोहे रंग दो लाल नंद के लाल लाल किसका अरे आई डोंट नो यार. I love it. I'm so excited. But there are a lot more frightening things in movies than special effects. So I'm not quite sure what the criteria for certification is. I think there are so many films that really shouldn't be watched by a lot of people. But anyway, yeah. I don't know. I find the whole certification system quite archaic. And I think there needs to be a better certification system, for sure. Totally. Oh my God. I think it's everybody's favorite film, right? And even today, it's so relevant. It's so beautifully made. Like that. I mean, including the... I mean, I love the vultures. I don't know. What do you want to do now? I don't know. And Ka. I mean, every single character from that film is just so amazing. Hello. I think मैं हर साल जीमा को सपोर्ट करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है एक अवार्ड्स टू सेलिब्रेट म्यूजिशियंस एंड म्यूजिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड आई थिंक हर साल और बड़ा होता जा रहा है और बेहतर होता जा रहा है. सो जस्ट कंग्रेट्स टू विजक्राफ्ट एंड द जीमा टीम. आई लव द शो एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर. आई नो अबाउट करीबी. आई थिंक इस साल का मुझे जो सबसे अच्छा गाना लगा है वो है मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी. Then I guess everybody knows the rest of it. सूरज डूबा है जी. नहीं ऐसा कुछ नहीं. आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली तो मेरे लिए बिजनेस इवेंट्स पे होना इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग. लोग अक्सर ये सोचते हैं कि क्योंकि एक ग्लैम डॉल टाइप इमेज है मे बी आई एम नॉट इनटू बिजनेस बट दैट इज़ माय ओरिजिन. बट फैक्ट ये है कि फिल्मों में कम आना डेफिनेटली एक चॉइस है क्योंकि मैं अपने फर्स्ट लव को फिर से परस्यू कर रही हूँ जो कि है म्यूज़िक. मेरे जब भी म्यूज़िक वीडियोस आए हैं बहुत अप्रिशिएट किए गए हैं एंड फाइनली म्यूज़िक वीडियोस का दौर वापस आ रहा है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग आउट माय ओन सॉन्ग्स. पिछले एक साल से मैंने कुछ 15-20 गाने रिकॉर्ड किए हैं एंड इन द नेक्स्ट मंथ आई एम शूटिंग 2 म्यूज़िक वीडियोस व्हिच शुड बी आउट आई होप इन मे जून. मैं बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ आपको. आई कॉन्ट रिवील एनी ऑफ माई सॉन्ग्स बट वन इज़ अ कलेबोरेशन विद अ रियली बिग मेल आर्टिस्ट. आई होप यू ऑल लाइक इट. मेरा खुद का ऑब्वियसली I guess the favorite is still this. Ek pardesi mera dil le gaya, jaate jaate meetha meetha gham de gaya. Jaane anjaane usse pata na chala, moti moti akhiyon mein aansu de gaya. तो भी आपको लगता है कि writing में बहुत कमी आई है? नहीं आई थिंक बस आई डोंट थिंक राइटिंग में कमी आ पा रही है. आई थिंक बस दौर बदल गया है. आई थिंक द न्यू जनरेशन विद सोशल मीडिया एंड विद सो मच इंटरनेट एक्सेस लाइफ इज़ वेरी फास्ट. लोगों की Yeah.
No, no, I'm too focused to be distracted by all this. मैं एक्चुअली आई एम रियली हैप्पी दैट ही इज बेटर, क्योंकि जो उनकी हेल्थ थी वो बहुत काफ़ी ख़राब थी. एंड आई थिंक आज की रात आई थिंक वी शुड फॉरगेट एवरीथिंग एंड इन द ही इज बेटर हेल्थ वाइज एंड ही इज बैक इन द इंडस्ट्री. सर मैं ध्यान ही नहीं देता, इस बात ही नहीं है खराब कब थी मेरी लैंग्वेज. हाँ मैं बस बहुत बेटर हिंदी बोल रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे मिलूंगा मैं अंदर, पूरी इंडस्ट्री से मिलूंगा. कौन सा आप बताओ कौन सा गाना. अरे नाचे तो दिल्ली हिले हलंडन, मटक मटक जैसे रवि न टंडन, आग लगाने आई है बंठन, गोली चल गई धाय, नखरे विलैती ईगो में रहती, नखरे विलैती ईगो में रहती, टशन दिखाती भूल, अरे लड़की ब्यूटी भूल कर गई. कौन सा सात समंदर, भाई मेरा नहीं है. हाँ जी. अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक द इंडस्ट्री एंड आई थिंक द ऑडियंस इज टू बिग टू अकोमोडेट लॉट ऑफ सिंगर्स. आई थिंक द वर्ल्ड इज टू बिग फॉर अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी. तो जो अच्छा काम करेगा उसको. है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं यार, क्या कर रहे हो वैसे ही. हाँ आई थिंक मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, फालतू की बातों की जगह. है डीजे वाले बाबू, वो तो सबको आते रहे सुना के, मैं क्या करूँ, जाऊँ ले लूँ अवार्ड ले लूँ. हाँ अरे क्लब में तेरी सरकार बना दू, टेबल को तेरी बार बना दू, वैसे तो हूँ बादशाह मैं, आज रात तुझे स्टार, कितनों को स्टार बना दिया. हेलो थैंक यू. First of all, am I supposed to be saying this in Hindi or English? I think music is very important, not only in my life but in a lot of people's life, because there are so many times where music actually influences our mood and vice versa. So I think music is a very very important part of everybody's life, at least mine. मैं गानों का बहुत ज़्यादा शौक रखती हूँ. In fact, I don't know if I should be saying this, but to be a singer, I know it would sound very cliche now because everybody is singing, but yeah, as a kid, my nani thought meri awaaz bahut achhi hai, mujhe badiyon ke gaana chahiye, but wo hua nahi. मैं ये सब नहीं सोचती हूँ कि मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ कहाँ नहीं देखती हूँ, बट मैं ये सोचती हूँ कि वीर से लेके अभी तक अकॉर्डिंग टू मी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है मेरी लाइफ में, मेरे कोरियोग्राफ में. जहाँ लोग पहले मेरा नाम भी ठीक से नहीं जानते थे, अब मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. सो आई थिंक इट्स अ प्रोग्रेस. मैं अक्सर टू के लिए साइन की गई हूँ और हम बहुत ही जल्दी फिल्म की शुरुआत करेंगे शूटिंग की. आई थिंक इन फैक्ट इस मंथ के मिड में ही हम अक्सर टू की शुरुआत करेंगे. विच इज़ द करंट सॉन्ग गोइंग ऑन राइट नाउ? हाँ बट अभी मैंने हाँ आई थिंक आई कैन सिंग दैट. तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है कब से है.
ओके एक आखिरी सवाल, क्योंकि जो आपके काफी करीबी दोस्त थे सलमान खान, वो अब मामा भी बन चुके हैं, तो कुछ उन्हें विश करना चाहिए? यहाँ पे मैं तो ऑलरेडी उनको विश किया है हमारे फैन के जरिए हम खान फैमिली के खान फैमिली में एक नया मेंबर अभी आया हुआ है. हम सब उसे बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं और बहुत सारी खुशियाँ लेके आया है और पूरी खान फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं. माय फेवरेट सिंगर, आई कांट नेम वन. थैंक यू. और या आई एम श्योर आई एम जस्ट गोना एंजॉय द नाइट. क्या बड़े जी? अच्छा वेल राइट नाउ आई एम ऑन क्या बोलते हैं टू डिसाइड कि कौन सा स्क्रिप्ट साइन करना है. सो लेट्स सी, होपफुली सून एक अनाउंसमेंट होगा. जी जी I have to sing. Gaana hai mujhe. Acha wo aapka hai? Wo aapka favorite hai haan? Isliye. Acha 2015 ka ek gaana tha Bum Bum. जो किस किस को प्यार से हो, मैं वो ही गाऊंगी. हाँ आज फ्राइडे इसी को जाए देने बनाते, सेक्सी कपड़े पहन के क्लब को जाते, बाबा जी की बूटी पी के सेट हो जाते, इस फ्राइडे नाइट को अच्छे बच्चे घर नहीं जाते. बोलो बम बम बम, बोले बम बम बम. थैंक यू. की रात है एंड ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं एक छोटा सा सेगमेंट होस्ट कर रही हूँ अपने फेवरेट आयुष्मान सुपरमैन खुराना के साथ. ये इसको लाल गुलाब बोलते हैं हिंदी में और इसका कुछ साइंटिफिक नाम भी होता है जो मुझे पता नहीं है, वरना मैं वो उसका साइंटिफिक नाम आपको बता देती. और नॉर्मली हिंदुस्तान में बहुत सारी लड़कियाँ गजरा पहनती हैं, लाल गुलाब का हो या मोगरे का हो, और मुझे बहुत पसंद है. वेल या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ रीजनल फिल्म, फर्स्ट टाइम डूइंग अ साउथ इंडियन फिल्म. वेरी एक्साइटेड. इट्स वेरी डिफरेंट टू एक्ट इन अ लैंग्वेज यू डोंट रियली स्पीक इन, दैट्स नॉट योर नेटिव. बट आई हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग ऑन अ वेरी गुड स्क्रिप्ट विद अ वेरी गुड डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स अ सुपरस्टार ममूटी, एंड आई जस्ट हैड टू डू इट. It's very different. Of course, I had all the help. I had translators, tutors, ADs, a fantastic director, a very, very lovely co-star in Mr. Mammootty, who helped me. And I had a technique to doing it, which is to write it in Roman and then to memorize it. How was it working with Mammootty? Well, he's really lovely. And, you know, it was a huge learning experience. I think between him, Mr. Mohanlal and Mr. Amitabh Bachchan, I think really they're the stalwarts, pillars of, acting. So I, any given opportunity, I would love to work with all of them. And so when they told me that he's in the film, I was like, you know, I have to be a part of this film. And he's really nice. I was a little apprehensive, thinking, you know, to work with such a big star with so much of acting experience would be a little intimidating, but he made it very easy. So there is one thing about Mammootty, which is that he perhaps never ages, always looks evergreen. So what is your take on this? I know, he looks, I think his best in this film. So. You have a treat. As if I can imagine you're a fan. I'm sure, and all his fans. This one is a special treat for all Mammootty fans. I'm a huge fan of Dulquer as well. I've seen some of his films, and I think he's lovely. I'd love to work with him as well. वो मैं स्टेज पे गाऊंगी. रितेश सबसे पहले आप ये बताइए, आप जब भी बोलते हैं ऐसा क्यों लगता है कि हम केआरके को सुन रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है? देखिए केआरके व्हाट आई डोंट नो आई डोंट नो
यस वेरी एक्साइटेड एब्सोल्युटली मैं वेरी एक्साइटेड स्पेशली क्योंकि इस जीमा में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं विद द टॉप सिंगर्स एंड हम हिट्स ऑफ द ईयर प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम बहुत ही एक्साइटेड है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग ऑल द परफॉर्मेंसेज इनसाइड लुकिंग एट देम एंजॉयिंग देम थॉरली एज Raga Tripin is debuting as a group presenting an acapella format presenting such an important category to hum bahut hi khush hai bahut hi excited hai che voice no instrument that's Absolutely. All only voices so tonight so, I think there's history going to be made yeah, yeah. yeah. India yeah. ko acapella ka jo jhalak hai they will get to see that on Jima hear it yep. yeah. and, hear it and hear it and hear it thank you so much Remove your pass. Please, beach mein mat aaiye. Yes. How are you? I'm fine, sir. How are you? Good to see you, sir. Good to see you. Sir, please, two questions. सिर्फ दो अरे जितना आप बोलिए नहीं नहीं दो ही दो ही सर यू आर लुकिंग एज हैंडसम एज एवर थैंक यू शाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर जीमा म्यूजिक क्या मुझे ऐसा लगता है ये जो छठी शाम छठा साल है ये जीमा का और इस साल का मुझे लगता है ये जो होने वाला ये अवार्ड सेरेमनी आई थिंक सबसे बेहतरीन होने वाला है म्यूजिक में सर कभी आपने हार्ट ट्रैक किया वो 7 दिन में तो नहीं वो 7 दिन में मैंने म्यूजिक डायरेक्टर का रोल किया था मगर मैंने अभी काफ़ी सालों से गाया नहीं है और मैं सोच रहा हूँ कि अगले साल में लोगों को डराने वाला हूँ अपनी गायकी से बस अभी शुरू कर रहा हूँ मैं रियाज शुरू है 24 की शूटिंग चल रही है बहुत जोरों शोरों में और बहुत मज़ा आ रहा है काम करने का बहुत ही बेहतरीन बन रही है और मुझे पूरा यकीन है कि जब ये लोग सेकंड सीज़न देखेंगे 24 का उन्हें बहुत बहुत पसंद आएगा लास्ट क्वेश्चन हम आपको वापस बिग स्क्रीन में कब देखेंगे कितनी जल्दी देखेंगे बिग स्क्रीन पे मुझे लगता है कि आप मुझे देखेंगे 2017 में Thank you. Thank you.